आपने मेरी गाड़ी को पीछे से हिट किया, वरना फिर चलिए थाने। तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं थाने जाऊंगी। जी हाँ, थाने तो आपको चलना होगा, क्योंकि मैं खासा कानून पसंद शहरी हूँ, ना किसी को कानून तोड़ने देता हूँ, ना खुद कानून तोड़। मुश्क, क्या हो गया? Why are you crying? What happened? तुम ही तो थे, आप प्लीज हमें घर जाने दे। तुम ही थे बेख्याली में, मेरे अब्बा जी बहुत ज्यादा संकट में आते हैं, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज आप हमें थाने मत लेकर जाएं, आप प्लीज हमसे गलती होगी, प्लीज आप। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ कितने पैसे चाहिए? कम से कम 50,000। ये लो पकड़ो। Enough? अभी मेरे पास इतने ही पैसे, गिन लो। आप जैसे ड्राइवर अगर सड़क पे घूम रहे हो ना, तो मरना मुश्किल नहीं होता। अब संभालिए इन पैसों को, और याद रखें, ना तो ये सड़क आपके अब्बा जान की है, और ना पे इस पे चलने वाले लोग। मुश्क साहिबा, आंसू इतने सस्ते नहीं होते कि हर जगह हर किसी के लिए बहा दिए जाए। अगर अब्बा सख्त मिजाज है तो ऐसी दोस्तियों से परहेज कीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम जाते हो या दोबारा से टक्कर मारूं गाड़ी को? जा रहा हूँ। मिस साहिबा नवीद खान, क्या याद करेंगी किस सखी से पाला पड़ा था। पता है वो भी पूरा नाम? मुश्क, I'm so sorry. साहिबा प्लीज घर चलो, हम बहुत लेट हो गए। अम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? अंबर, मुश ने कहा था कि वो 1:30 बजे तक आ जाएगी, अब 2:30 बज रहे हैं और वो अभी तक नहीं आई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारे अब्बूजी का फोन आ गया तो मैं क्या कहूँगी? अम्मी जी, आप इतनी खौफजदा जिंदगी कैसे गुजार लेती हैं? क्या करूँ अंबर, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारे अब्बूजी ने मुझे एक जीती जाती सांस लेती हुई घड़ी बना दिया है। मुझे अपने अंदर धड़कन महसूस नहीं होती है, सुइयों की टिक टिक सुनाई देती है। अम्मी जी प्लीज, ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। आपको पता है ना कि परेशानी से इंसान की उम्र घटती है। आप बस हमेशा खुश रहा करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। मुश्क, तुम कहाँ रह गई थी बेटा? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी। जाओ बहन के लिए पानी लेकर आओ। कमाल करती हो तुम भी। अम्मी जी आप ये बात छोड़ें, आप मुझे बताएं, अब्बूजी की कॉल तो नहीं आई? किसी बहुत ज़रूरी काम में फंस गए होंगे, वरना फ़ोन कर करके मुझे परेशान करते कि तुम कहाँ हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तो सारे रास्ते यही सोच सोच के आदी होगी कि अगर अब्बूजी की कॉल आ जाएगी तो आप क्या जवाब देंगे। वैसे तुमने इतनी देर लगा क्यों दी? हाँ बताती हूँ, मैं खाना वगैरह हम लगाते हैं, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। खून मेरा खुश कर देती है ये लड़की। अम्मी मैं किचन में देख के आती। आप प्लीज हमें घर जाने दें, मेरे अब्बा जी बहुत ज्यादा सख्त मिजाज है, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज आप हमें थाने मत लेकर जाए। मेरा बेटा यहाँ अकेले अकेले क्या सोच रहा है भाई? हाय मामा, एक लड़की देखी आज मैंने,
लड़की देखी है, कहीं मेरा बेटा दीवाना तो नहीं हो गया? जी शायद। इसका मतलब है कि आज से पहले मेरे बेटे ने कोई लड़की देखी ही नहीं। भाई तुम तो अमेरिका में रहकर आए हो, वहां पर भी कोई लड़की नहीं देखी? बस क्या बताऊं मामू, she was so innocent, so simple and yet so beautiful. Oh, I see. ऐसा लगा जैसे ख्वाब से उतरकर हकीकत सामने आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोची थी, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। वो भीगी भीगी आंखें, वो परिजात सच है। अच्छा तो अब एक माँ की हैसियत से मेरा तो पूछना बनता है ना कि वो लड़की है कौन और मुझसे कब मिलवा रहे उसे? मामा अभी तो मैं सिर्फ उससे मिला हूँ, चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा हो। अच्छा मेरा बच्चा प्यारा, बहुत प्यारी थी वो। बार-बार मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है, इतनी स्टाइलिश है, इतनी खूबसूरत है यार, मैं तो पहली नजर में इंस्पायर हो गई। पता है क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि उसे मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। मैं क्या वाकई में? और क्या क्या कह रही थी वो? बस यही कह रही थी कि इतना डर डर के क्यों रहती हो, जैसे हम लोग यहाँ घर में रहते हैं। और कह रही थी कि इंजॉय करो, कॉलेज लाइफ है, काफ़ी अच्छी लड़की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। अच्छा पता बड़ा मज़ा आया जब मैं पहले वहाँ गई तो उन लोगों ने मुझे गलत रास्ता बता दिया और मैं इतनी शर्मिंदा हो रही थी। और फिर सहबा ने मुझे बताया कि यार कोई बात नहीं, लोग फूलिंग करते हैं, ऐसा होता है, फूलिंग होती है, यू नो तुम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। और बड़ा अच्छा रहा पहला दिन, मुझे इतना मज़ा आया, सही की इंजॉय की मैंने, ये तो अच्छा हो गया। देखो इस्माइल हौसला रखो, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। आंखों के सामने जब दुनिया उजड़ रही हो तो हौसला सबसे पहले दगा देता है। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ऑफिस में था, गीती का फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है, घर पहुंचा तो की थी वो खून की उल्टी आई हुई थी। मैं उसको लेके यहाँ भागा, रास्ते में बस आपको कॉल की, और किसको कॉल करता समझ नहीं आया। मेरे हर दुख सुख की शादी की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गीती का दुख किससे बांटूं, मेरे तो बच्चे भी बहुत छोटे। देखो इस्माइल तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, मैं हर दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अल्लाह पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अंबर, अंबर फोन उठाओ, तुम्हारे अब्बू का फोन होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मोश, कैसी हो?
जी जी एक सेकेंड, आप होल्ड कीजिएगा, मैं बुलाती हूँ। मुश्क, हेलो, जी मैं बुलाती हूँ। मुश्क, मुश्क, क्या है? सहबा की कॉल है, चलो जल्दी बात करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सहबा। यार आज तुम रोना शुरू हो गई थी, शायद अपने पेरेंट्स की वजह से डर रही थी ना। तुम्हें पता है जब से मैं घर आई हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे जा रही हूँ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? नहीं नहीं सब ठीक था, बस वो अम्मी परेशान थी, मुझे देख के ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है बहुत। ऐसे मैं सोच रही थी कि हमारे पेरेंट्स भी ना हमें बहुत स्ट्रेस में रखते हैं, खुद को परेशान और अपसेट शो करके। चलो शुक्र है, वैसे ये पेरेंट्स भी ना बहुत अनोइंग होते हैं, हर बात पर स्ट्रेस हो जाते हैं और हमें परेशान कर देते हैं। आधा घंटा लेट हो जाने पर तुम ऐसे परेशान हो गई थी जैसे कोई आसमान टूटने वाला हो तुम्हारे सर पर। I felt really bad for you. अच्छा सहबा फिर कल कॉलेज में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। अभी तो हमने बात करना शुरू की है मुश्क। Come on, मुश्क, कौन से जमाने की पैदावार हो तुम? तुम्हारी जैसी लड़कियां ना पुराने जमाने के उर्दू नॉवेल्स में दिखती हैं। हाँ वो असल में मेरे अब्बू जी के आने का टाइम हो गया ना, तो शाम की चाय बनानी है, मैं फोन रखती हूँ। अब्बू जी अभी घर आए नहीं और तुम्हें उनकी चाय बनाने की फिक्र पड़ गई। I think तुम्हारे घर का माहौल खासा बैकवर्ड है। Am I right? हाँ हाँ। अच्छा ना फिर कल कॉलेज में मुलाकात होती है सहबा। ओके फाइन, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा तो मूड था कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करूँ। अभी तो हमने उस जाहिल को भी डिस्कस नहीं किया जिसने मेरी गाड़ी बर्बाद कर दी है यार। वैसे मुश कैसे करूँ कि उसे मेरा नाम कैसे पता है? सहबा इस सब के बारे में हम कल कॉलेज में बात कर लेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके बाय। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल हम चीजें लेने आए थे और पापा मामा को अस्पताल लेकर गए। अच्छा, खैरियत तो है? मामा को दर्द हो रहा था। तो घर पर कौन है? मोहिनी पप्पो। अच्छा तुम लोग जल्दी से चीज लो और घर जाओ। नहीं अंकल, अभी हम ट्यूशन जा रहे हैं। चलो हारिस। मैं तैयार करूंगी ना, क्लिप भी लगाऊंगी तुम्हें भी। ये पहले इतना बड़ा है, तो ये वाला भी लगाया था पहले, ये वाला ऐसे ही है, छोटे छोटे से छोटी सी एक मुझे लगेगा। खोलो ना, एक इधर लगाएंगे। कैसी हो मोहिनी? गुड़िया गुड़िया, क्लिप क्लिप लगा। हाँ हाँ अच्छा, ये लो मोहिनी टॉफियां खाओ। मुझे नहीं खाने को चॉकलेट, चॉकलेट मुझे अंडा खाने है, चॉकलेट। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक नहीं एक दर्जन अंडे ला दूंगा, ठीक है? लेकिन तुम ना किसी को बताना नहीं, वादा करो मुझसे कि तुम नहीं बताओगी किसी को। वादा करो। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं, पक्का वादा, पक्का। ये बात, और अगर तुमने किसी को बताया ना कि मैं तुमसे क्या बात करता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं ला दूंगा, ना सुरखी ना काजल ना परांदा। मैं नहीं बताऊंगी, नहीं ये भी नहीं बताएगी, किसी को भी नहीं बताएगी। तुम मुझे चूड़ियां लाके दोगे ना? चूड़ियां चूड़ियां लाके दोगे? चूड़ियां? हाँ मैं तुम्हें चूड़ियां भी ला दूंगा, काजल भी ला दूंगा, जो तुम कहोगी ना वो सब ला दूंगा। तुम इतनी अच्छी और प्यारी हो, और तुम लिपस्टिक लगा के ना और भी प्यारी हो। गुड़िया गुड़िया भी लगाएगी ना? नहीं नहीं तुम गुड़िया से ज्यादा प्यारी लगोगी। ये कौन आ गया? अरे रुको रुको मोहिनी रुक जाओ। भैया 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 आ जाओ, चलो 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 चलो। भैया आ गए, भैया भैया आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
और बच्चे का? हाँ, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। मैं गली से गुजर रहा था तो उन्होंने कहा घर में थोड़ी देर बैठ जाएं, घर खाली है। वो ट्यूशन जा रहे थे। मोहिनी कहाँ थी? मोहिनी अभी अभी बाहर से अंदर आई है, शायद वो पड़ोस में ही गई थी और इसी ने दरवाजा बंद किया। मोहिनी बाहर गई थी? बाहर गई थी, बाहर गई थी, बाहर गई थी। और मोहिनी दरवाजा तुम्हीं ने बंद किया था ना? मैंने बंद किया था, मैंने बंद किया था, मैंने बंद किया था, मैंने बंद किया था, मैंने बंद किया था। अच्छा इस्माइल भाई, मैं चलता हूँ, क्लिनिक जा रहा था तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि बैठ जाएं। ओके भाभी, खुदा हाफिज। और हाँ भाभी, याद आया, आपकी तबीयत अब कैसी है? आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर में दाखिल होता। मेरी बहन मासूम है, मगर मेरी आंख और होश खुले हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इस्माइल की बीवी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल गए हुए थे, अभी वहीं से आ रहा हूं मैं। तो अब कैसी है वो? बस मामूली सा ट्रीटमेंट करके डॉक्टरों ने घर भेज दिया। कहा है कि बीमारी पूरे जिस्म में फैल गई है, अब इलाज मुमकिन नहीं है। या अल्लाह, वो तो बहुत कम उम्र होगी। कम उम्र तो है, मगर उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे से। क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ताला उसे मुकम्मल शिफा दे। बहुत रो रहा था इस्माइल, बहुत चाहता है अपनी बीवी। अस्सलाम वालेकुम। आप इस्माइल मियां को पूछिएगा हमारी तरफ से और कहिएगा कि हमारे लिए कोई भी खिदमत हो तो बता दे। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि आयादत के लिए उसके घर एक आध दिन में चली जाओ और बच्चों को भी साथ ले जाओ। जी जरूर। अबू जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ये बताओ कि तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज तो अच्छा जा रहा है, मजा आता है बहुत। मजा आता है क्या मतलब? तालीम हासिल करने की जगह है, कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है कि मजा आ रहा है। ये बताओ कि असातजा कैसे हैं, तालीमी मियार कैसा है, माहौल कैसा है? जी अबू जी अच्छा है सब कुछ, बहुत लेक्चर्स अच्छे होते हैं, असातजा बहुत अच्छे हैं, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। बाद में बता दूं? जी। सारा ध्यान तालीम पे ही होना चाहिए सिर्फ। जी अबू जी। अब बिस्किट लाओ ना अबू के लिए। आप चाय तो पी लें। सोबी, बेटा कहाँ जा रही हो? मैं नौमी के घर। एक काम करोगी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, वो मैकेनिक के पास है, मुझे जिम तक तो छोड़ दो। ओ मॉम, आई एम सो सॉरी, आपका जिम बहुत आउट ऑफ द वे पड़ेगा। मुझे नौमी का घर दूसरी साइड पे और आपका जिम दूसरी साइड पे। सिर्फ 10-15 मिनट का फासला है बेटा। आई कैंट, वो मेरा वेट कर रहा है, सो सॉरी। फाइन, जस्ट गो। आजकल के बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सॉरी, मैं छोड़ देती लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज डोंट माइंड। गो, जा, आई विल मैनेज। नाजिया यार, प्लीज एक काम तो कर दो, अपनी गाड़ी भेज दोगी? मुझे सर जिम तक जाना है। भाई अम्मी जी को तो तुम्हारी वो दोस्त साहिबा जरा भी अच्छी नहीं लगी।
अम्मी कहती हैं कि इंसान को ऐसे शख्स से दोस्ती करनी चाहिए जो आपका हम ख्याल, हम मिजाज हो और हम पल्ला हो। अंबर, आज सहबा ने इतने मजे की बात की कि मैं तो हंस हंस के पागल हो गई। अच्छा, क्या बात बताई मुझे भी बताओ। कहती कि अगर अल्लाह मियाँ ने वालदेन का और औलाद का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग बनाया है तो वालदेन ही क्यों चाहते हैं कि औलाद उनकी मर्जी से सांस ले, और जब उन दोनों का दिमाग अलग अलग बनाया है तो वालदेन ये क्यों चाहते हैं कि हर काम उनकी मर्जी से हो। वाह वाह, क्या बात कही तुमने। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल। वाह, वाकई क्या बात कही है, और आफरीन है आप दोनों पर कि इतनी बेहुदा और बेतुकी बात को इतना सराहा जा रहा है। शाबाश, मेरा माथा सही ठनका था। जब दो लोग स्टेटस और तर्ज जिंदगी में इतने फर्क होना तो नुकसान हमेशा कमतर का होता है। वो कहीं का नहीं रहता, अपनी चाल भूल जाता है, ना कव्वा रहता है ना हंस। और मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं कि वो लड़की किस मिजाज और किस जहन की है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुश्क जी कि ऐसे मिजाज वाली लड़की से दूर रहो। जी अच्छा। बेटा एक बात समझो, वालदेन से बढ़कर औलाद का खैरखा कोई नहीं होता, और वो औलाद बहुत खुशकिस्मत होती है जो अपने वालदेन की समझ बूझ, उनके फहम से फायदा उठाती है, उनके तजर्बे से फायदा उठाती है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी। चलो शाबाश, 8 बजे से पहले पहले रायता और सलाद बना कर रख देना, और हंडिया भी देख लेना। मिल गया ना लेक्चर। स्टूपिड कुत्ता, नोमी जैसे कूल बंदे ने पता नहीं ये कुत्ता क्यों रखा हुआ है। नोमी, नोमी, नोमी साहब तो घर पे नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई है, उसने कहा था वो घर पर है। जी, लेकिन वो अभी 10 मिनट पहले ही अपने दोस्त के साथ बाहर निकले। एक मिनट, में कॉल करती हूँ उसे। अच्छा ठीक है, मैं अंदर इंतजार कर रही हूँ, मुझे बता देना। ये आपको अंदर नहीं जाने देगा। ये क्या मजाक है? नोमी साहब आएंगे तो मैं बता दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बता दीजिएगा आप। क्या है ना कि रोज रोज की मुलाकात से इंसान की वैल्यू नहीं रहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे कौन था यार? साहिबा थी। अबे उसे भी बुला लेते, मजा आ जाता यार। बुला लेते। Thank you.
मिस साहिबा, क्या बात है, मेरी गाड़ी को इतनी गौर से देख रही हैं आप? दोबारा टक्कर मारने का इरादा है क्या? शराब, मैं तो बस ऐसे ही जा रही थी। तो और अपना शिकार देख के रुक गई आप? ऐसी कोई बात नहीं, ये मिस्टर सद्दाम का घर है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सहबा हो ना? अस्सलाम वालेकुम गजाला आंटी। वालेकुम अस्सलाम। और ये इर्तिजा? हाँ हाँ, मेरा बेटा इर्तिजा, जो पिछले महीने ही आया है वापस अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके। इसी के बारे में बताया था मैंने तुम्हें। अच्छा, तभी तुम्हें मेरा नाम पता था। तुम आओ ना, अंदर आओ। नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस नोमी से मिलने आई थी, वो घर पर नहीं है तो बस मैं जा रही हूँ। नोमी, तुम रात देर तक क्यों जागती हो? वो अबूजी, असल में नोट्स बनाते बनाते टाइम लग जाता है। मैंने इस घर में रहने के कुछ उसूल और जवाबित बनाए जो तुम लोगों के फायदे के लिए हैं। इन्हें पसे पुश डालते वक्त ये जरूर सोच लेना कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां देते हैं। उम्मीद है मेरी बात पर अमल करोगी और आइंदा ऐसा नहीं होगा, समझ गए? जी अबूजी, आइंदा से मैं ख्याल करूंगी, सॉरी। मुश्क बेटा, अबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम काम वगैरह जल्दी निपटाकर जल्दी सोने की आदत डालो। तुम्हें पता है ना, पूरे खानदान और मोहल्ले में सब हमारे घर की मिसालें देते हैं कि इस घर में हर काम वक्त पर एक तरीके और सलीके से होता है। सही कह रही हूँ मम्मी जी, असल में असाइनमेंट्स में नोट्स में रोज़ ही देर हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से काम ख़त्म करूँ। मुझे पता है आप लोगों की भी नींद डिस्टर्ब होती है। अल्लाह खैर करे, ऐसा कौन आ गया? तुम्हारे अब्बू जी तो जान ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहबा, तुम इस वक्त? आंटी, असल में मेरा दिल कर रहा था अब मुझसे मिलने का, तो मैं आ गई। ये इतनी रात को किसने बेल बजाई है? कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अबूजी, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, इसका नाम सहबा है। सहबा, ऊपर चलो ना, कमरे में चलते हैं। कमरे में चलते हैं। इतनी रात को ये लड़की अकेली? जी पता नहीं, शायद। ये मुश्त ने किस किस्म की सहेलियां बना ली हैं? जरा नजरें रखो। जी मीची, मैं उनके लिए चाय वगैरह बना लूं? हाँ बेटा बना दो, बल्कि कुछ बिस्किट निम्को वगैरह भी रख देना, पहली बार आई है वो घर पे। अच्छा मेरे बर्तन तो उठाओ जल्दी से। सहबा, इतनी रात को तुम खैरियत है? इतनी रात तो नहीं हुई है, सिर्फ 9 ही तो बजे। पता, हमारे घर 10 बजे सब सो जाते हैं, लाइट वगैरह सब बंद हो जाती है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चली जाती। नहीं नहीं, तुम आओ ना, बैठो। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बैठो बैठो। मुझे बताओ क्या बात हुई? यार मोश, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। तुम्हें पता है, मैं ना पिछले 2 घंटे से गाड़ी रास्ते में घुमाए जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मैं इस हालत में घर जाती ना, तो मैं सोच सोच के पागल हो जाती। हाय सहबा, क्या हुआ? सब खैरियत है घर पे? सब ठीक है? इट्स अबाउट नोमी। तुम्हें पता है, मैंने और नोमी ने डिसाइड किया था कि आज हम हैंग आउट करेंगे, हम कॉफी पियेंगे या मूवी देखेंगे।
तुम्हें ऑकवर्ड तो लगेगा, लेकिन मेरे घर में किसी ने बातें सुन ली तो शामत आ जाएगी मेरी। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? गलत नहीं कहा। अच्छा तुम बताओ, बात तो पूरी करो। अच्छा तो मैं ना नोमी के घर गई तो नोमी के गार्ड ने कहा कि वो घर पर नहीं है। जब मैं निकल ही रही थी ना तो मैंने देखा कि नोमी घर पर था। यार इतना बड़ा झूठ बोला उसने मुझसे, चीट है वो एक नंबर का। हाँ लेकिन सहबा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना डिस्टर्ब हुई हो। ऐसा करो तुम भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दो, सिंपल। मर्श, मर्श, क्या कह रही हो तुम? तुम बात को ना समझ नहीं रही हो। मी एंड नोमी वी लव ईच अदर। क्या जी, उसकी दोस्त ना इतनी शानदार गाड़ी लाई है और पता है वो खुद चलाकर लाई है, तो देख के हैरान ही रह गई थी। कोई जरूरत नहीं है दूसरों की चकाचौंध से अपनी आंखें खीरा करने की। उसको चाय दो और जल्दी से रवाना करो। तुम्हारे अब्बू जी को उसका इस तरह से आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जल्दी करो, अब जल्दी भी करो। एक एक बिस्किट निकाल के रख रही हो, जाओ लेकर जाओ। सहबा असल में इस तमाम मामलों में ना मेरा कोई तजुर्बा नहीं है तो मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकूंगी। जानती हूँ, तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही, बस अपना दिल हल्का करने के लिए बोल रही थी। अरे वो लड़का नहीं है इर्तिजा सदाम? अरे जिसने हमारी गाड़ी मारी थी, वो जो है ना हमारा फैमिली फ्रेंड है, मेरे अब्बू के फ्रेंड का बेटा है। और तुम्हें पता है वो नोमी का नेबर भी है। होगा, मुझे इससे क्या। लेकिन सहबा उसने तुम्हारी गाड़ी को नहीं मारा था, तुमने मारा था उसकी गाड़ी को। Whatever, मैं ना उससे बदला लेकर आऊंगी। कैसा बदला? यार वर्ष तुम ना बात ही को नहीं समझ रही हो। उसने हमारी इंसल्ट की थी, हम दोनों की इंसल्ट की थी। वो समझता क्या अपने आप को, एक नंबर का फिल्म का हीरो। चाय वाले चाय। मुश्क तुम्हें अपना असाइनमेंट बनाना था ना? हाँ हाँ मैं असाइनमेंट बना लूँगी। सहबा जब चाय पी के चली जाएगी ना तो मैं असाइनमेंट पे काम कर लूँगी। जा रही हूँ मैं। जब बुरा नहीं बनाओ, आराम से चाय पियो। जानना चाहती हूँ इस्माइल, आप इतने दिन से कौन सा राज छुपाए बैठे हैं? मेरे दर्द को अब आपकी तसल्लियों से आराम नहीं आता। आपकी आंखों का दुख मेरे अंदर छुपे वहम की चिंगारी को हवा दे रहा है। हकीकत जानना चाहती हूँ मैं इस्माइल।